हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे ट्रू सॉल्यूशन के बारे में। ट्रू सॉल्यूशन की आज हम प्रॉपर्टी और उसकी नेचर और उसकी पार्टिकल साइज ईटीसी, इन लोगों के बारे में हम आज बात करेंगे। तो दोस्तों, ट्रू सॉल्यूशन की जो नेचर होती है ट्रू सॉल्यूशन की, वो होमोजीनियस होता है। इसकी नेचर होमोजीनियस होती है, मतलब हम कह सकते हैं कि ट्रू सॉल्यूशन इज एन होमोजीनियस सॉल्यूशन। ट्रू सॉल्यूशन इज ए होमोजीनियस सॉल्यूशन। होमोजीनियस सॉल्यूशन। और हम इसके पार्टिकल साइज के बारे में बात करते हैं। इसके पार्टिकल साइज क्या होते हैं? तो दोस्तों, इसके पार्टिकल साइज होता है ट्रू सॉल्यूशन का, वो लेस देन 10^-9 मीटर होता है, या फिर हम कह सकते हैं ये 1 नैनोमीटर के लगभग बराबर होता है, या फिर 10 एंगस्ट्रॉम की। इसकी हम फिल्टरेबिलिटी के बारे में बात करते हैं। क्या ये फिल्टर से पास कर जाता है? नहीं दोस्तों, जो ट्रू सॉल्यूशन होता है वो फिल्टर से पास कर जाता है। सॉरी दोस्तों, ये ट्रू सॉल्यूशन फिल्टर से पास कर जाता है, बल्कि सस्पेंशन नहीं पास करता है। फिल्टरेबिलिटी क्या होता है इसकी? पास करता है थ्रू फिल्टर पेपर। ये फिल्टर पेपर से पास कर जाता है, और एनिमल मेम्ब्रेन से भी ये पास कर जाता है। इसके पार्टिकल्स जो होते हैं वो एनिमल मेम्ब्रेन से भी पास कर जाते हैं। इसके हम सेटलिंग के बारे में बात करते हैं कि दोस्तों, जब ये मिलते हैं, मान लीजिए यदि हम चीनी में पानी डालते हैं या फिर पानी चीनी मिलाते हैं उसको हम, तो ये क्या होते हैं, उनके पार्टिकल जो है मिलने के बाद बैठते नहीं हैं। कहने का ये मतलब ये है कि वो उनको हम इधर नहीं दे सकते हैं, कि जैसे यदि हम कोई बालू और पानी मिलाते तो उसके बालू के पार्टिकल जो है नीचे बैठ जाते हैं। तो ट्रू सॉल्यूशन में उसके पार्टिकल्स बैठते नहीं, मतलब डू नॉट सेटल हम कह सकते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे इसके विजिबिलिटी के बारे में। विजिबिलिटी क्या होती है? विजिबिलिटी मतलब होता है कि वो इनविजिबल है या विजिबल है। तो पार्टिकल्स जो होते हैं ट्रू सॉल्यूशन की, वो क्या होते हैं? इनविजिबल होते हैं। पार्टिकल्स आर इनविजिबल हम कह सकते हैं। और उसके बाद हम बात करते हैं उसकी डिफ्यूज़न के बारे में। वो डिफ्यूज़न उसका क्या होता है? तो ये क्यूकली डिफ्यूज कर जाते हैं, ये क्यूकली डिफ्यूज कर जाते हैं। और अपीयरेंस उसका क्या होता है? जो मतलब अपीयरेंस, मतलब वो दिखने में क्या उसके पार्टिकल्स हम देख सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि यदि हम सॉल्यूशन पर अगर लाइट हम पास करें तो हमें क्या आर पार दिखाई देता है? तो हाँ दोस्तों, ये क्लियर और ट्रांसपेरेंट होता है। थैंक यू दोस्तों फॉर वॉचिंग श्री ओम चैनल। थैंक यू।